टीवी और फिल्म के मशहूर अदाकार तलत इकबाल अमरीका में इंतकाल कर गए। वो आरजाए कल्ब के बायस गुज़श्ता दो हफ्ते से अमरीका में ज़ेरे इलाज थे। तलत इकबाल की फनी जिंदगी पर रोशनी डाली है कराची से हसन नासिर सिद्दीकी ने अपनी इस रिपोर्ट में। तलत इकबाल का शुमार पाकिस्तान टेलीविजन के इब्तदाई दौर के फनकारों में होता है। वो पीटीवी से तवील अरसे तक मुंसलिक रहे और मुतअद्दिद ड्रामों में शानदार काम किया। जाज़िब नज़र शख्सियत और जुमलों की बर्दिश्त अदायगी की वजह से वो देखने वालों में बेहद मकबूल थे। बड़ी मुश्किल से उस बेचारे बच्चे की हमने जमानत करवाई है, हम तो उसके बाप के आगे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। उनके मकबूल ड्रामों में दो दुनी पांच, उलझन और ऑपरेशन द्वारका बहुत मकबूल हुए। टेलीविजन के साथ साथ तलत इकबाल ने बड़ी स्क्रीन पर भी काम किया और पश्तो और उर्दू की कई फिल्मों में अपने फन के जौहर दिखाए। उनकी मकबूल फिल्मों में आग और आंसू, अनोखी, दर्द, आग और जिंदगी और शोले पे शोला को फिल्म बीनों ने बहुत पसंद किया। अपने शानदार काम के बायस तलत इकबाल को फनकार कबीले में नुमाया मुकाम हासिल रहा। गुज़िश्ता कई साल कबल वो जहाँ फन को खैरबाद कहकर अपने अहले खाना के हमराह अमरीका मुंतकिल हो गए थे, जहाँ दिल की तकलीफ के बायस कई रोज से अस्पताल में जेर इलाज थे और हालत बिगड़ने पर उन्हें कुछ रोज कबल मसनू तनफ्फुस पर रखा गया, लेकिन वो जाबर न हो सके और दारे फानी से रुख्सत हुए। तलत इकबाल को उनकी फनी खिदमात के बायस तवील अरसे तक याद रखा जाएगा। हसन नासर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।